Hello everyone and good morning all of you. Welcome to Olive Board SSC platform. This is Ashima Shukla और ये है आपका RRB का practice segment जिसमें railway exams के सारे जितने भी variety of exams हैं RRB की यानी कि ALP, Group D, NTPC, TEC, RPF इन सब exams की preparation के लिए जो GK, GS segment रहता है वो आपको इसके अंदर कवरेज मिलेगा. सो जल्दी जल्दी से जल्दी सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करें. डोंट फॉरगेट टू शेयर द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो ऑल ऑफ यू. ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है यानी कि इसमें मिक्स्ड सेट है. सारे जॉनर्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मिक्स किए हुए हैं इसमें जिससे कि एक प्रॉपर एग्जाम वाला फीलिंग आए आपको. और ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, आंसर करें सो दैट आई गेट टू नो हाउ वेल यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. विराट गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन. चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर्स इनटू व्हाट. प्रोस्टेट ग्रंथि से जो भी सिक्रीशन निकलता है, जो भी रिलीज होता है वो कहाँ जाता है. वेयर डज इट गो. तो प्रोस्टेट ग्लैंड से पहली बात तो सिक्रीशन क्या आता है आपको ये पता होना चाहिए. व्हाट इज सिक्रीटेड फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड. और दूसरा ये पता होना चाहिए कि ये जाता कहां पर है. वेयर डज इट गो. तो गुड लॉरेंस वॉल्यूम कम है बेटा. फोन की वॉल्यूम तो कम नहीं है कहीं. बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग क्लास इन दिस वॉल्यूम एंड देयर हैजंट बीन अ प्रॉब्लम सो फार. चलिए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द एंटरिंग प्रोस्टेट ग्लैंड से जो एंटर होता है वो यूरिथ्रा के अंडर एंटर होता है. यूरिथ्रा में जाके गिरता है ठीक है. और ये क्या करता है. व्हाट डज इट रिलीज. इट रिलीजेस अ फ्लूइड या लिक्विड जो स्पर्म सेल्स के साथ मिलके टेस्टिकल्स मिलके जो सीमेन बनता है यानी कि जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है स्पर्म्स को वो रिलीज करता है प्रोस्टेट ग्लैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप. इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है. Which of the following is a leguminous crop? Leguminous crops कौन से होते हैं जो आपके दाल हो गए या cereals हो गए, sesame seeds हो गए, ये सब आते हैं leguminous crops में. और इनके अंदर क्या होता है, इनकी roots होती हैं सबसे special. roots क्यों होती हैं. leguminous crops की जो roots होती हैं उनके अंदर bacteria होता है. जो bacteria कौन सा. राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम करता है. नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए एरोबिक नाइट्रोजन को एनएरोबिक यानी सॉइल में मिक्स करने वाली नाइट्रोजन बनाता है. तो वी हैव आंसर पल्सेस सेसमे. यहाँ पे आंसर होगा पल्सेस. पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन. द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी माध्यम का वो हमेशा कितना होता है. व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम. किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि ये आपका कोई मीडियम है. सपोजिंग ये सॉलिड ब्लॉक है आपका. जब लाइट का सोर्स वैक्यूम से किसी मीडियम में जाता है. यहाँ पे पूरा वैक्यूम है. यहाँ पे कोई भी सपोज सॉलिड ब्लॉक है तो लाइट जब यहां से इसके अंदर एंटर होगी तो वो जो चेंज आता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है. मोर देन वन ऑप्शन दी अजय लॉरेंस. लेस देन वन. आंसर इज मोर देन वन. हमेशा एक से ज्यादा होगा. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है. वैक्यूम से कहीं भी लाइट जाएगी ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा ही. तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वन क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर हमेशा वैक्यूम से किसी मीडियम में जाता है और वैक्यूम का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कंपेयर टू मीडियम. What is the natural source of oxalic acid? इनमें से कौन सा oxalic acid का प्राकृतिक स्रोत है. Naturally oxalic acid हमें कहां से मिल सकता है. Natural compound कौन सा है जहां से हमें oxalic acid मिल सकता है. अजय has an answer for tomato. That being the perfectly right answer.
टोमेटो या टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, और ये कुछ जैसे कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी काफी सारे, कुछ सीड्स फ्रूट्स इनके अंदर भी देखने को मिलता है, पर मेन जो मेजर सोर्स है वो टोमेटोज माने जाते हैं। और सार मिल्क जो खट्टा दूध है उसमें आप लोगों को कल बताया था कौन सा एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड मिल जाता है जब दूध खट्टा हो जाता है या जमने लग जाता है। एंट स्टिंग जब चींटी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड, या इसे मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो इट कैन बी मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। टैमरिंड जो है यानी इमली जो है इसके अंदर मिलता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ये अलग अलग एसिड्स हैं, टमाटो में ऑक्सैलिक, दूध या जो दही होता है उसमें लैक्टिक, चीटी काटने पे मेथनोइक या फॉर्मिक जो भी आपको ऑप्शन में मिले, इमली में टार्टरिक एसिड। व्हाट रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन, इनमें से कौन है जो द्विआधारी विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, यानी जो सेल है वो अपने आप को ही दो हिस्सों में बांट के मल्टीप्लाई करता है, ये किसके द्वारा किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन। नाउ बाइनरी फिशन यूजुअली किसमें हो सकता है, जो यूनिसेल्यूलर है, जो एक ही सेल अपने आप में ऑर्गेनिज्म है, वो ही करते हैं बाइनरी फिशन। तो इनमें से कौन हो सकता है, बाइनरी फिशन क्या है, जैसे अपने आप खींचते जाते हैं और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अमीबा। अमीबा इज द वन जो यूनिसेल्यूलर है और बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड होता है। Which of the following is associated with Government of India's Khelo India program? इनमें से क्या है जो खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंध रखता है, यानी खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है, किस फील्ड के लिए है। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है खेलो इंडिया प्रोग्राम के दो मेजर इवेंट्स कंडक्ट हो चुके हैं जनवरी और फरवरी में, तो जल्दी से किस चीज से संबंध है, वैभव स्पोर्ट्स का है, अजय बिल्कुल सही स्पोर्ट्स का। हाल ही में तमिलनाडु के अंदर तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट किए गए, फिर लद्दाख के अंदर विंटर गेम्स कंडक्ट हुए, विंटर गेम्स दो पार्ट में कंडक्ट हुए थे, एक लद्दाख में हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ फेब्रुअरी में, सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुअरी में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुए। तो विंटर गेम्स कंडक्ट हो चुके हैं, यूथ गेम्स कंडक्ट हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, इनमें से कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। नाउ एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो सबसे पहले तो आप एटॉमिक नंबर निकालोगे। एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 + 8 + 3 कितना हुआ, कितना हुआ, और कौन सा एलिमेंट मैच करता है इसमें, जल्दी से। एनी वन हु वॉन्ट्स टू टेक अ वाइल्ड गैस एट इट, सोडियम, ऑल राइट, एनी वन एल्स, चलिए सोडियम जो बोला है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो ये नहीं हो सकता। ये एटॉमिक नंबर कितना दे रहा है, इट इज गिविंग 13, 13 एटॉमिक नंबर किसका है हमें ये जानना है। 13 एटॉमिक नंबर जो है ये एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम इज एटॉमिक नंबर 13, सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11, सो वो नहीं हो सकता। ये डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल के मेजर एटॉमिक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से क्या है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, जो हमारे हैंड्स एंड लेग्स में मसल है, काफ मसल्स हैं, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, वो क्या है, बोन से जुड़ी हुई हैं। तो ये हो गई हमारी बोन, आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक स्ट्रक्चर, बोन। बोन को यहाँ पे जो मसल है उससे जोड़ने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, यानी ये जो चीज है जो ये कनेक्ट कर रही है वो क्या चीज होती है, ये व्हाट डू यू कॉल दैट, टेंडन्स, अजय वैभव, ऑप्शन डी टेंडन्स, बिल्कुल सही, इनको बोला जाता है टेंडन्स। टेंडन्स एक तरह से स्ट्रेचेबल कंपाउंड होता है जो टेंशन बेयर कर सकता है, टेंशन झेल सकता है।
और टेंडन्स और लिगामेंट्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर कंसिडर्ड एज ऑलमोस्ट सिमिलर क्योंकि दोनों कोलेजन मेड है, लेकिन लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन कनेक्शन करती है. बस बोन को बोन से जोड़ने का कनेक्शन होता है वो लिगामेंट के द्वारा किया जाता है, और मसल को बोन से जोड़ने का काम टेंडन्स के द्वारा किया जाता है. कार्टिलेज इज बोन लाइक स्ट्रक्चर, इलास्टिक टिश्यू है जो आपके नोज में आपको देखने को मिलेगा, आपके ईयर में, ईयर का जो आउटर लेयर है उधर देखने को मिलेगा, ये सब कार्टिलेज है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज MgCl2 सॉल्यूबल, मैग्नीशियम क्लोराइड किस चीज में घुलनशील होता है? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड किसमें सॉल्यूबल है? अम्बली, लॉरेंस, वैभव, अजय, जल्दी से. नाउ ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाटर में सॉल्यूबल है, बाकी किसी में नहीं. एसीटोन, केरोसिन, पेट्रोलियम में नहीं, H2O, सिंपल H2O के अंदर सॉल्यूबल है, आयनिक फॉर्म में तुरंत चला जाता है. मैग्नीशियम 2+ आयन्स, क्लोरीन -1 आयन फॉर्म करता है. इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड बाय हुम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसमें इब्राहिम लोदी को किसके द्वारा मारा गया था? हु हैड किल्ड इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में? कल वाले सेशन में तीनों बैटल याद कराए थे मैंने आप लोगों को, तीनों तीन बैटल हुए थे जो पानीपत के, तीनों कराए थे. अजय, वैभव, बाबर, बिल्कुल सही. बाबर वॉज द वन, बाबर पहले इंसान थे जिन्होंने पानीपत में लड़ाई करी, यहां से मुगल रूल शुरू हुआ और यही विजयी निकले थे. तो सिंपल एज दैट. और बाबर कहाँ के रूलर थे? ही वॉज द रूलर ऑफ कबुलिस्तान. काबुल जो है पाकिस्तान में है, तो काबुलिस्तान के रूलर थे मुगल्स, वहां से आए थे इंडिया में. देयर आर हाउ मेनी मेटेलॉइड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आधुनिक आवर्ती में मेटेलॉइड कितने हैं? ये मैंने आपको विद नेम कराए हुए हैं, ऑल हैव बीन डिस्कस्ड विद यू. तो ये मैंने आपको, आई थिंक इससे पहले मैंने आपको 2-3 दिन पहले मैंने आपको सारे मेटेलॉइड्स विद नेम कराए थे. मेटेलॉइड्स कौन से होते हैं? वो जिगजैग जो टेबल का डिवीजन होता है नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, वो होते हैं मेटेलॉइड. और टोटल मेटेलॉइड कितने हैं? देयर आर टोटल ऑफ 6 मेटेलॉइड्स. 6 मेटेलॉइड हैं. कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम. ये 6 है जो मेटेलॉइड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिगजैग फॉर्म में मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल में, अलग ही कलर से दिखाए जाते हैं इनको. विच इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारणी में बाई ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? सिर्फ एक नॉन मेटल है जो लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा, कौन सा है वो? वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो दो ग्रुप्स को बिलोंग करता है, इसकी प्रॉपर्टीज दो ग्रुप से मैच होती है. बेटा अजय, RRB के अंदर पीरियोडिक टेबल बहुत जरूरी है. डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल के आपको पता है कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें? हाइड्रो, वैभव, बिल्कुल सही. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये दो ग्रुप के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है. एक है आपका ग्रुप 1 और एक है आपका ग्रुप 17, दोनों से मैच होता है, लेकिन इसको प्लेस किया जाता है लेफ्ट साइड के अंदर. द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटम, जो परमाणुओं से ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? चाहे वो फ्यूजन हो चाहे वो फिशन हो, दोनों तरीके से किस प्रकार की एनर्जी ऑब्टेन होती है? एटम्स के द्वारा. अब यहाँ पे आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी जो है वो सन से ऑब्टेन होती है, सूरज, सूर्य देवता से लेते हैं हम. हीट एनर्जी जो है ये कोई भी चीज हीट करके लेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, गैसेस, इन सब के मूवमेंट की वजह से जो हीट जनरेट होती है, रिएक्शन से हीट जनरेट होती है, वो हीट एनर्जी हुई. केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी जो है ये जो बॉन्ड्स हैं केमिकल एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो जब रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, चेंज करते हैं, बॉन्डिंग चेंज करते हैं, तब केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, ये होती है न्यूक्लियर एनर्जी. बिल्कुल सही वैभव, अजय, लॉरेंस.
न्यूक्लियर एनर्जी इज द वन जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग जनरेट करवाते हैं, फिशन या फ्यूजन दोनों रिएक्शन से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वैस्कुलर सिस्टम? संवहीन तंत्र के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? आरबीसी की लाइफ 115 से 120 दिन होती है. वैस्कुलर सिस्टम जो है ये 7 से 8% बॉडी वेट बनाता है. ब्लड रेड या व्हाइट वैस्कुलर टिश्यू हो सकता है और लगभग 6.8 लीटर ब्लड होता है एक एडल्ट ह्यूमन में. ये आपको कल ही कराया है, कल वाले सेगमेंट में ही इसका आंसर बताया था. इफ यू रिमेम्बर करेक्टली तो कल वाले सेगमेंट में ही बताया था कितना लीटर ब्लड होता है ह्यूमन में. कितना बताया था? 5 लीटर्स बताया था. तो 5 में आप ये मान लो 4.5 से 5.5 का रेंज देते तो भी हम एक्सेप्ट करते. ये 6.8 लीटर्स दिया है, सो देयरफॉर इट इज रॉन्ग. जो लीटर है, जो जितना अमाउंट ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5.5 के बीच में. तो हम ऑन एन एवरेज 5 लेके चलते हैं. Which type of cell skin is made up of? जो त्वचा है वो किस प्रकार की कोशिका से बनी है? What kind of cells make up the skin? All right, answer for this जल्दी से. Epidermal. एपिडर्मल ऑप्शन है. ऑल गोइंग विद दैट, दैट्स परफेक्ट राइट. एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ये आउटर लेयर सेल्स होते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे ब्लड हो गया या टेंडन्स लिगामेंट्स हो गए जो कनेक्ट करते हैं पूरी बॉडी के अंदर. परमानेंट टिश्यूज आपको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जाइलम, फ्लोएम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. और पेरेनकाइमा जो है ये भी प्लांट का टिश्यू है. मैग्निट्यूड ऑफ बोयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑफ द फ्लूइड? उत्प्लावना बल का परिमाण द्रव के किस पर निर्भर करता है? जितना बोयंट फोर्स अप्लाई होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है फ्लूइड की? बोयंट फोर्स जो अपर पुश मिलता है उसे बोला जाता है बोयंट फोर्स. वॉल्यूम पे, ऑप्शन ए मास पे, आंसर विल बी ऑप्शन डी डेंसिटी पे. ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि डेंसिटी लिक्विड की क्या है. कि तो अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है तो वो फ्लोट करेगा. इसीलिए शिप्स इजिली फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है. सुई कैसे ऊपर रह सकती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर्ड टू वाटर. किसके द्वारा कौन दिल्ली के सुल्तान ने अपने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी? द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वाज हु अमंग द फॉलोइंग? किसके द्वारा कैपिटल शिफ्ट करी गई थी? यू रिमेम्बर, आई थिंक कल या परसों मैंने आप लोगों को बताया था. व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक फिर उन्होंने दोबारा से अपनी कैपिटल शिफ्ट करी. बिल्कुल सही, प्रिंस वैभव लॉरेंस. इट इज मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक के उन्होंने पहले दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट कर ली क्योंकि उनको ज्यादा कंट्रोल चाहिए था इंडिया पे. फिर उनको पता लगा कि मंगोल बहुत आसानी से अटैक कर पा रहे, तो उन्होंने फिर से दिल्ली में शिफ्ट कर लिया अपना कैपिटल. That's how we played along. A solar cell is made up of. Solar cell जो है वो किस चीज से बना हुआ होता है? Solar energy you all know, सब लोग आजकल install भी कर रहे हैं. तो वो बना किस चीज से है जो solar energy को convert करने का काम कर रहा है? वो solar cell किस चीज का बना हुआ होता है? The more expensive compound out of the following. Silicon. Ajay, Prince, बिल्कुल सही है. Silicon का बना हुआ है. Solar cells जो है ये crystal form में जो silicon है उसका इस्तेमाल करते हैं. 1 kilowatt is equal to how many watts? 1 kilowatt में कितने watt होते हैं? ये सारा electric power का energy measurement unit है. तो 1 kilowatt is equal to how many watts?
लॉरेंस वैभव प्रिंस अजय, वी हैव आंसर्स फॉर 1000 वॉट्स. बिल्कुल सही, 1000 वॉट मिलके 1 किलो वॉट बनाते हैं. विस्थापन के परिवर्तन का दर को किसके रूप में जाना जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह किसी एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से हिलना. तो जो रेट है, जिस रेट से वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? वेलोसिटी. वैभव लॉरेंस बिल्कुल सही, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी बोला जाता है. एक्सिलरेशन क्या होता है? एक्सिलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सिलरेशन. स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस का ट्रेवल प्रति यूनिट टाइम पे कितना हो रहा है. और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज बेसिकली कि कितना ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस यानी कितना दूरी कवर कर लिया है, वो डिस्टेंस में आ जाता है. व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश? ऑरेंज प्रिंस, ये आपको जब मैं स्टेट जीके कराई रही थी उसमें आपको कराया था आंध्र प्रदेश. एंड दैट इज ब्लैक बक. ब्लैक बक इज कॉल्ड द स्टेट एनिमल, जिसे कृष्ण जिन का भी बोला जाता है. निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट टू कम्पीट इन ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में जाने वाली पहली महिला जिम्नास्ट कौन है? ये गई थी 2014 के कॉमनवेल्थ में, पहले गई, फिर उसके बाद अभी हाल ही में शी वेंट टू द मिथुन अरुणाचल के हैं. यस लॉरेंस, मिथुन अरुणाचल का है. आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी दीपा कर्माकर. दीपा कर्माकर ओलंपिक्स में जाने वाली पहली फीमेल जिम्नास्ट बनी है. एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 286. अब ये किस में होगा? जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 2, 8, 6 है तो ये कौन से ग्रुप के कौन से पीरियड में होगा? दिस इज मोर इजी कंपेयर्ड टू योर एटॉमिक नंबर बताना. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत इजी क्वेश्चन है इफ यू गो बाय द लॉजिक. देखो, पहले तो पीरियड पता लगाना है, तो कैसे पता लगाएंगे? जो 2 वाला होता है, सिर्फ जो 2 है यानी हाइड्रोजन और हीलियम, ये आते हैं फर्स्ट ग्रुप के, फर्स्ट पीरियड के अंदर. 2 वाले आते हैं हाइड्रोजन हीलियम. सेकंड ग्रुप के अंदर 8 पूरा हो जाता है, सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाती है. और ये अब यहाँ पे थर्ड लेयर चल रहा है तो पीरियड तो थर्ड होगा. अब थर्ड पीरियड वाला ऑप्शन ही एक बचा है तो आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. 16 ग्रुप 3 पीरियड, बस. क्योंकि पीरियड कंफर्म है कि थर्ड पीरियड में होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सिंपल. चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट वैस्कुलर टिश्यू. वह विकल्प चुनना है जो संवहीन तंत्र के बारे में सही नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वैस्कुलर टिश्यू? जल्दी से ऑप्शन सी वैभव. ऑप्शन सी द ऑप्शंस आर, फर्स्ट कहता है कि ब्लड इज ओनली वाइट, सेकंड कहता है वैस्कुलर सिस्टम जो है 7 से 8% आता है, तीसरा कहता है 6.8 लीटर्स ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन पर्सन, और डी कहता है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 15 to 120 days. नाउ यहाँ पे एक्चुअली इफ यू लुक अराउंड देयर आर 2 स्टेटमेंट्स विच निगेट ईच अदर. सी रिपीट हो गया, 6.8 लीटर्स. ब्लड इज ओनली व्हाइट वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑल्दो ये भी करेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये कंप्लीटली व्हाइट नहीं होता है. आर्टरीज एंड वेन्स आर द वन जो वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, ब्लड नहीं बनाता है. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, नॉट अ वैस्कुलर फॉर्म. वैस्कुलर फॉर्म में आता है आर्टरीज एंड वेन्स. तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स निगेट होते हैं. 2 स्टेटमेंट्स निगेट हुए हैं यहाँ पे. दीज 2 आर नॉट ट्रू.
टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज व्हाट? दांतों में सड़न कब शुरू होती है? यानी पीएच जो है हमारा माउथ भी रेगुलेट करके रखता है, हमारी पूरी बॉडी अपना पीएच रेगुलेट करके रखती है, हर जगह का अपना अलग पीएच है। तो मुंह का जो पीएच है वो कब शुरू होगा, जब मतलब दांत गलना कब शुरू होगा? व्हेन विल द टूथ डिके स्टार्ट? कितने एसिडिटी पे टूथ डिके स्टार्ट होगा? 5.5, लेस देन 5। बेटा लेस देन 5.5 हुआ तो इतना तो आप लोग सिट्रिक एसिड के फॉर्म में भी काफी कंजम्पशन कर लेते हैं, एसिडिक चीजें हम भी तो कंज्यूम करते हैं। तो माइल्ड एसिड्स जितना हम कंज्यूम करते हैं वो वाले एसिड्स की वजह से तो टूथ डिके नहीं होता है, दांतों में सड़न नहीं होती है। तो 5.5 से कम में अगर पीएच चला जाता है उस केस के अंदर फिर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये यूजुअली 5.5 से कम का एसिड कब जनरेट होने लग जाता है? जब मुंह में बैक्टीरिया रह गया है, शुगर डिग्रेड नहीं हो पाया है, खाना दांतों में फंस गया है, उस टाइम पे एसिड ज्यादा रिलीज होता है उनको हटाने के लिए, और उसकी वजह से दांतों पे असर पड़ता है। इसरोज फर्स्ट सन मिशन, इसरो का जो पहला सूर्य मिशन है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सन मिशन ऑफ इसरो? चलिए, वैभव हैज एन आंसर फॉर ऑप्शन डी, आदित्य L1, बिल्कुल सही। अजय बिल्कुल सही, आदित्य L1 इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन। और हम लोग काफी क्लोज पहुंच भी चुके हैं, इंडिया इंडिया का पहला सोलर मिशन था, एंड वी हैव रीच्ड वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ सन, एंड काफी अच्छा स्टडी प्रोग्रेस चल रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड है जिसमें 32 एलिमेंट है? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व मौजूद होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 32 एलिमेंट्स? नहीं आता पीरियड? बेटा बहुत इजी कैसे, इफ यू गो बाय, देखो पीरियोडिक टेबल में आपने कितने ग्रुप देखे हैं? यू हैव सीन टिल ग्रुप नंबर 18, 18 ग्रुप देखे हैं। नॉर्मली एक पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स होने चाहिए, फिर 32 कैसे हो सकते हैं? 32 होने के लिए एक्सटेंशन चाहिए हमको, कि पीरियोडिक टेबल में कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंड हो रहा हो, और सिर्फ दो ही ऐसे पीरियड है जिसके अंदर एक्सटेंशन है। कहां? जहां पे लैंथेनाइड है और जहां पे एक्टिनाइड है। सिर्फ ये दो पीरियड ऐसे हैं जहां पे लैंथेनाइड एक्टिनाइड है जो एक्सटेंड होते हैं, और उसकी वजह से वो 32 पे पहुंचता है। और ये पीरियड कौन से हैं? लैंथेनाइड होते हैं ग्रुप 7 पीरियड में से, छठे पीरियड में लैंथेनाइड है, सातवें में एक्टिनाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड 6 विल बी द राइट आंसर। छठे पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट है, इनफैक्ट एक्टिनाइड वाले में भी पूरे नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है अभी। सेवेंथ पीरियड इज नॉट कंप्लीट, तो उसको भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ पीरियड के अंदर वही 18 एलिमेंट है, क्योंकि एक ग्रुप में 18 होते हैं। फोर के अंदर भी 18 है, क्योंकि टोटल 18 हो सकते हैं। थर्ड में भी 18 ही है, क्योंकि 18 हो सकते हैं, नहीं 13 में तो और भी कम है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विद पोजेस पोटेंशियल एनर्जी? इनमें से किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है? Which of the following objects would possess potential energy? Potential और kinetic का मैंने आप लोगों को concept बताया था। कोई चीज उठा के रखी हुई है, potential है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो कर सकता है, नीचे गिरा वो imply हो गई तो वो kinetic energy में convert हो गई। तो raised hammer, उठा हुआ जब hammer होता है, हथौड़ा होता है, वो potential energy carry करता है, और जैसे ही उसको मारा वो kinetic energy में convert हुआ, और जैसे ही वो touch हुआ जिस भी surface पे आप डाल रहे हो तो वो mechanical energy में convert हुआ। Which of the following regions in original habitat of Toda tribe? इनमें से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा ट्राइब इनमें से कौन सी जगह पे पाए जाते हैं? ये द्रविडियन एथनिक ग्रुप है, तो द्रविडियन से मूविंग बुलेट के अंदर किनेटिक एनर्जी होगी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी है, मूविंग कोई भी चीज है वो काइनेटिक एनर्जी लेती है। वैभव नीलगिरी बिल्कुल सही,
नीलगिरी हिल्स द्रविड़ियन एथनिक ग्रुप है, तो नीलगिरी माउंटेन्स के अंदर ही पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक ऑफ साबरमती, इनमें से कौन सा शहर है जो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज ऑन द रिवर बैंक ऑफ साबरमती, साबरमती नदी के किनारे पे इनमें से कौन सा शहर स्थित है। वैभव, अजय, विवांसर, बाकी सब। अहमदाबाद, बिल्कुल सही, अहमदाबाद शहर है जहाँ जो साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है। सूरत शहर है, ये कौन सी नदी के किनारे पे है, ताप्ती नदी के किनारे पे सूरत शहर है। और वडोदरा जो है ये विश्वामित्र नदी के किनारे पे है, विश्वामित्र नदी के किनारे पे वडोदरा शहर है। और भावनगर जो है ये कंसारा नाला जो है उसके किनारे पे स्थित है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल नाम की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, वन इंडियन गर्ल इज अ बुक रिटन बाय हु, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चेतन भगत, वैभव, अजय, बिल्कुल सही, चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई लेटेस्ट बुक, लास्ट बुक उनकी यही थी। नाउ मॉडर्न आवर्त सारणी में किस समूह में पूर्णतः भरा संयोजकता कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। विच ग्रुप हैज कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स, केमिकली इनएक्टिव एलिमेंट्स। इनएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, एक ही ग्रुप है जिसके अंदर इनएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और वो कौन सा ग्रुप है जहां पे नोबल गैस मौजूद है। नोबल गैस जल्दी से आपको पता है रिएक्शन नहीं करती है, और नोबल गैस होती है पीरियोडिक टेबल के लास्ट में। आपको मैंने बताया था टोटल कितने ग्रुप होते हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, अभी तक 3 4 बार तो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, और लास्ट ग्रुप के अंदर ही होते हैं ये। बेटा 18 ग्रुप होते हैं, बिल्कुल सही, देयर आर टोटल ऑफ 18 ग्रुप्स, और 18वें ग्रुप के अंदर यानी लास्ट में होती है नोबल गैस, जिनकी आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। इनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए रिएक्शन करते भी नहीं है, दे आर ऑलवेज इनएक्टिव। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड पर क्या असर पड़ता है। नाउ लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्ट लाइट है, तो इसीलिए इसकी स्पीड पे क्या असर पड़ेगा, कम होगी ज्यादा होगी। लॉरेंस, अजय, स्पीड डाउन होगी, बिल्कुल सही, इसका स्पीड कम होगा। वेयर एज अगर साउंड एनर्जी होती जो मैकेनिकल एनर्जी है तो वो उसका स्पीड जो है वो अप होता, क्योंकि वो जितना ज्यादा डेंस मीडियम में जाता है उतना तेज तरीके से ट्रांसमिट होती है। लाइट जितना हल्के मीडियम में रहती है उतना तेज ट्रांसमिट होती है, और वैक्यूम में तो सबसे तेज ट्रांसमिट होती है। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू आर बोन्स, हमारी हड्डियां जो है उन्हें किस प्रकार का टिश्यू बोला जाता है। व्हाट काइंड ऑफ टिश्यूज इज आर बोन, हड्डियां किस प्रकार की टिश्यू है। बोन्स को किस प्रकार की टिश्यू में जाना जाता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था पैरेन्काइमा प्लांट में है, परमानेंट टिश्यू प्लांट में है, एपिडर्मिक लेयर जो है हमारी वो स्किन होती है, तो वो हो ही नहीं सकती। बचा एक ही ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लाइट नहीं होती है, डेंस होती है क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द सिंबल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेटर, इनमें से कौन सा तत्व है जिसका अगर हम लोग सिंबॉलिक या प्रतीक के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करें तो एक अक्षर का सिंबल होता है। सिंगल लेटर सिंबल इनमें से किसका होगा। वैभव, अजय, लॉरेंस, जल्दी से, कार्बन, बिल्कुल सही, कार्बन है जो सिंगल का है, कैल्शियम सी ए होता है, क्लोरीन सी एल होता है, कॉपर सी यू होता है, कार्बन सिर्फ सी होता है। द गल्फ ऑफ बोथनिया इज सिचुएटेड बिटवीन टू कंट्रीज, बोथनिया की जो खाड़ी है वो दो देशों के बीच में है, उनमें से एक देश तो है फिनलैंड, दूसरा देश कौन सा है।
गल्फ ऑफ बोथनिया इज अबाउट टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में ये गल्फ या खाड़ी सिचुएटेड है. नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा दूसरा देश है. स्वीडन. अजय, वैभव, बिल्कुल सही, परफेक्टली राइट. स्वीडन इज द सेकेंड कंट्री इन दिस. और ये जो गल्फ है ये कौन से वाटर बॉडी के अंदर है. बाल्टिक सी के अंदर है. दिस गल्फ इज इन बाल्टिक सी. केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल. फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है. व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ दिस कंपाउंड. फेरस सल्फेट क्रिस्टल येलो ब्राउन सा क्रिस्टल होता है या ग्रीन क्रिस्टल सॉलिड होता है जिसे हेटाहाइड्रेट सॉल्ट बोला जाता है. इंडिया. नो, वी डू नॉट हैव एन ऑफ टुडे. अजय, वैभव, ये आंसर बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन फोर दो. Fe(SO4)7H2O. इट इज Fe(SO4)7H2O. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट. जो क्रिस्टलाइन येलो ब्राउन या ग्रीन क्रिस्टल होगा और हेटा सल्फाइट फॉर्म का सॉल्ट बोला जाता है इसे. विच प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट. शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के किस प्रकार के परिणाम स्वरूप युग्मनज नामक एकल संरचना का निर्माण होता है. यानी जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो इनमें से किस प्रोसेस से होता है. विच प्रोसेस लीड्स टू द फ्यूजन. नाउ फ्रैगमेंटेशन तो क्या है, किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ना. तो रिप्रोडक्शन बाय ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स इज फ्रैगमेंटेशन. टिश्यू कल्चर इज आर्टिफिशियल. ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है. यानी पूरा का इसमें पूरा का पूरा लैब के अंदर काम किया जाता है. जो पेट्री डिश है उसके अंदर आप मल्टीप्लाई कराते हो, ग्रो कराते हो. टिश्यू कल्चर उसको बोला जाता है. लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके अंदर फर्टिलाइजेशन विल बी द राइट आंसर. जब दोनों फ्यूज होंगे तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है. इन प्लांट्स द प्लांट इफ ऑफ विच ग्रुप आर कॉल्ड एल्गी. ये आप लोगों को कल भी कराया है. कल दोनों सेक्शन 11 बजे भी और शाम वाली क्लास में दोनों में बताया था. तो पौधों के किस समूह को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है या एल्गी कहा जाता है. कौन से ग्रुप के अंदर सिर्फ एल्गी मौजूद है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली एल्गी. So we have a few answer. बेटा ब्रायोफाइटा तो एम्फीबियन था ना, इसका तो कैरेक्टरिस्टिक एम्फीबियन बताया था. जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर आपको नेकेड सीड्स बताया था. टेरिडोफाइटा का आपको फर्न्स बताया था, सारे फर्न्स आते हैं इसमें, बचा एक है थैलोफाइटा. थैलोफाइटा ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एल्गी मौजूद होती हैं. सारी एल्गी, फंगस, ये सब इसके पार्ट होते हैं. फोर्स इज इक्वल टू वॉट. सिंपल क्वेश्चन, फोर्स इज इक्वल टू वॉट. फोर्स होता है यूजुअली पुश या पुल, उसको बोला जाता है फोर्स. फोर्स की वजह से यानी फोर्स का जो फॉर्मूला है उसे क्या कहते हैं. व्हाट डू यू कॉल, व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला. अजय, एज एन आंसर फॉर ऑप्शन ए मास इनटू एक्सेलरेशन. बिल्कुल सही. फोर्स का जो फॉर्मूला है ये कौन से मोशन लॉ के हिसाब से है. न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो अगर आपसे पूछते हैं कहाँ पे फॉर्मूला है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द वन जिसके अंदर ये फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है. Now here comes the question of the day for you. 1976 में 42nd संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में कौन से दो शब्द ऐड किए गए. उसके बाद बैन लग गया कि प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बंद कर दिया. बट उससे पहले 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रियम्बल में कौन से दो शब्द ऐड किए गए. यू कैन आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन.
वाइल आई टेक यू आर लीव, वीडियो का आपको पीडीएफ सारा का सारा ऑलिव बोर्ड के ऐप पर अवेलेबल होगा कोर्सेज सेक्शन में, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. आई विल बी सीइंग यू टुमारो एट 11 AM विद मोर सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस सेट. और जो सुबह नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो शाम को ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को भी क्लास होती है, तो यू कैन ज्वाइन देन. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन. गुड.